देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतजार किया है, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये अमृत काल का पहली प्रभात हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर के आई है। 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स ये भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। ये पुनर्चेतना पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं, जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो जाता है तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्प लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है, और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे स्त्री शक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं, और ये त्रि शक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है।
130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान ही करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तब साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी, ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समन्याकुल परिवर्तन करने की आदत रखती है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता,
न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। ABP News आपको रखे आगे।